वेलकम बैक जेके रीडिंग। तो आगे नई स्टेटस वीडियो के साथ आज हम दीपावली न्यू स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहां से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके साइज सेलेक्ट करनी है आपको 16:9। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है हम उस बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ पहले। तो यही वो बैकग्राउंड है, इसको यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को कर देना। यहाँ पर आपको 50 सेकेंड, तो यहाँ तक मैं 10 सेकंड कर लेता हूँ अभी। उसके बाद राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले जो लक्ष्मी का वीडियो है उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए यहाँ से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और उस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो वीडियो है, इसको ऐड करना। इसको ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर लेना। ऐड करने पहले आपको इसको यहाँ पर साइज को ऐसे एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको क्रोमा की पर क्लिक करना है। क्रोमा की को इनेबल कर देना और ग्रीन कलर की जगह हम ब्लैक कलर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ कर लिया। उसके बाद में एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर इसको माइनस करके ऐसे। तो यहाँ पर इतना ही रखेंगे। तो जहाँ तक अच्छे से एडजस्ट हो आप उतना ही रखें। तो यहाँ तक ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। इसके बाद हम इसके एक और PNG है उसको ऐड करनी है। उसको ऐड करने के लिए हमें लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर उस PNG को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो PNG है। इस PNG को पहले ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेंगे। ड्यूरेशन को लास्ट तक करने के बाद इस PNG को हम इस साइड ले आएंगे और इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको एक की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इधर आकर के फिर यहाँ पर आपको राइट में स्क्रॉल कर देना है। जो भी PNG ऐड की उसको यहाँ पर इतना ऐड करेंगे तो यहाँ तक ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया में जो दीपक की PNG है उसको ऐड करना है। तो वही ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसको यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर को चूज़ करके यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। तो आप अच्छे से वीडियो टाइम देकर बनाएं ताकि वीडियो अच्छा बन सके। तो यहाँ तक ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। इस दीपक के PNG को मैं थोड़ा सा इस साइड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में हम इसके ऊपर टेक्स्ट PNG ऐड करेंगे। तो लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और उस PNG को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो PNG, इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेंगे। पहले ड्यूरेशन को लास्ट तक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद फिर प्लस वाला आइकन देकर के की वाला ऑप्शन देख करके फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके इस साइड ले आना है इस PNG को यहाँ पर। तो यहाँ तक ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद में फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया में जो इसका एक इफेक्ट वीडियो है उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर जो वीडियो उसको ऐड कर लेता हूँ। तो यही वो वीडियो है, इसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऑप्शन में ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसको स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ तक ये ऐड हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक और टेम्पलेट ऐड करना है इसके ऊपर, तो उसको ऐड कर लेते। उससे पहले हम इसका जो ऑडियो है उसको ऐड करना है। तो यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करके उस ऑडियो को ऐड कर लेते हैं। तो यही वो ऑडियो है, इसको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके और फिर राइट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक ही अच्छे से एडजस्ट हो गया। तो एक बार दिखा देता हूँ अपना वीडियो। तो ये वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।